सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे ओम शांति शांति शांति। पंचदशी ग्रंथ के तृप्ति दीपा प्रकरण में 21 नंबर श्लोक 21। ये बृहदारण्यक में जो मंत्र आया, आत्मानं चेत् बीजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंजरः। तो वहाँ पर जो आया अयम्, आत्मानं चेत् बीजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः, जीव यदि जाने, जीव यदि जाने, है ना, अयम ऐसा कहा वहाँ पर। तो अयम शब्द के ऊपर विचार चल रहा है, क्योंकि पहले संशय होता है, संशय होता है। तो ज्ञान तो प्रमाण से होगा, ज्ञान किससे होगा? प्रमाण से होगा, बिना प्रमाण से तो ज्ञान होगा नहीं। प्रमाण है शास्त्र, प्रमाण क्या है? शास्त्र, है ना। तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ठीक है, शास्त्र जनित्वात्, ब्रह्मसूत्र में आया शास्त्र जनित्वात्, शास्त्र है वेदांत। परंतु वेदांत का तात्पर्य किस में है, ये संशय होता है। वेदांत है शास्त्र, इसमें तो किसी प्रकार की शंका नहीं है। वेदांत शास्त्र है कि नहीं है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है, लेकिन इसका तात्पर्य किस में है, ये शंका होती है, संशय बनता है। समझ में ना? तो क्यों इसलिए बनता है वेदांत प्रमाण में संशय, इसको कहते प्रमाण संशय। अर्थात वेदांत का तात्पर्य किस में है ऐसा निश्चय नहीं हो पाना, संशय होता है। मतलब कर्म में तात्पर्य है कि उपासना में तात्पर्य है, ये होता है संशय। द्वैत में है कि अद्वैत में है, समझ में कि नहीं? क्योंकि अन्य जितने भी शास्त्र होते हैं सब द्वैत का ही निरूपण करते हैं, और जो निरूपण करने वाले कोई सामान्य व्यक्ति तो है ही नहीं, समझ में कि नहीं? सांख्य देखो कपिल का है, योग शास्त्र महर्षि पतंजलि का है, नया वैशेषिक बड़े बड़े महापुरुष है, महर्षि गौतम है, कणाद ऋषि है, जैमिनी महर्षि है, समझ में कि नहीं? इसलिए भी उनका वाक्य अप्रामाणिक हो, है ना, ऐसा बुद्धि में बैठता नहीं है, समझ में कि नहीं? क्योंकि महापुरुष की भी तो श्रद्धा तो रहती है ना। तो ये जो उत्तर मीमांसा जो वेदांत है, इससे अतिरिक्त कितने हुए? पांच हुए। तो पांच का निरूपण करने वाला निरूपित जो विषय है वो तो द्वैत है, वो तो क्या है? द्वैत है। और केवल इतना नहीं, वेदांत में भी सब लोग अद्वैत का निरूपण नहीं करते हैं। शंकर वेदांत से अतिरिक्त जितने भी है वेदांत सब द्वैत का ही निरूपण करते हैं। इसलिए ब्रह्मसूत्र है, भगवान व्यास ने ब्रह्मसूत्र लिखा। तो आचार्य लोग अपनी बुद्धि के अनुसार जो है ऐसा उसने निरूपण किया, भले ही जो है उसको अद्वैत कहते हैं, तो उसमें कोई विशेषण लगाते हैं, विशिष्ट अद्वैत है, द्वैताद्वैत है। तो शंकर वेदांत से अतिरिक्त जितने भी वेदांत है सब द्वैत का ही निरूपण करते हैं, इसलिए संशय रहता है कि शास्त्र का तात्पर्य कर्म से कर्म में है, अर्थात मुक्ति तो सब मानते हैं, परम पुरुषार्थ मोक्ष को सब मानते ही है, लेकिन कुछ लोग कर्म से मानते हैं कि वेद हैं, संपूर्ण वेद का तात्पर्य कर्म में है, कर्म से मुक्ति होगी। कुछ लोगों ने संपूर्ण वेद का तात्पर्य उपासना में है, तो उपासना से मुक्ति होगी। अब कुछ लोग मानते हैं ज्ञान से मुक्ति होगी, और ज्ञान में भी कौन सा ज्ञान है, निर्विशेष परब्रह्म का ज्ञान है कि सविशेष परब्रह्म का ज्ञान है। इसीलिए इसको कहते हैं प्रमाण संशय, प्रमाण संशय, प्रमाण के ऊपर संशय होता है।
समझ में है ना, इसलिए बार 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 जो है श्रवण करना पड़ता है, समझ में कि नहीं। श्रद्धा पूर्वक जो है उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा निष्पक्ष, क्या है, निष्पक्ष होकर के उपक्रम उपसंहार आदि के द्वारा यदि विचार करोगे वेदांत का तो आपको निश्चय हो जाएगा, समझ में ना। तो कर्म उपासना ये सब ठीक है, हम मानते हैं, इसको निराकरण नहीं करते हैं। ये सब किसके लिए है, चित्त की शुद्धि के लिए। हाँ, ब्रह्म सूत्र में देखो, सर्वापेक्षा च यज्ञादि सुतिर अश्वत्। उपनिषद भी कहती है, तमेतम वेदान वचन ब्राह्मणा विविधि संति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। कर्म उपासना जितने भी सब क्या है, चित्त की शुद्धि के लिए है। और चित्त की शुद्धि होने पर क्या होगा, विविधिशा, वास्तविक मेरा स्वरूप क्या है, उसको जानने की इच्छा चित्त की शुद्धि से होती है। और चित्त की शुद्धि निष्काम कर्म निष्काम उपासना से होती है, समझ में ना। हाँ, इसलिए वेदांत का तात्पर्य ज्ञान में है, ये निश्चय हो जाता है ना। ये बार 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 श्रवण करने से कि वेदांत का तात्पर्य तो क्या है, ज्ञान में है, वो अद्वैत ज्ञान में। इसको क्या कहते हैं, प्रमाण संशय, क्या कहते हैं, प्रमाण संशय, ठीक है। तो प्रमाण संशय होने के बाद भी प्रमेय संशय होता है, क्या प्रमेय संशय होता है। भाई प्रमेय संशय ऐसा होता है कि भी ठीक है, वेदांत का तात्पर्य ज्ञान में है, वेदांत का तात्पर्य ज्ञान में, कर्म उपासना चित्त की शुद्धि के लिए, इतना समझ में आने पर भी भाई ब्रह्म जो है अद्वैत कैसे होगा, सारा संसार आपको दिखाई दे रहा है, तो ब्रह्म अद्वैत, ब्रह्म से और कुछ भी ना हो अतिरिक्त, तब तो ब्रह्म अद्वैत होगा ना। हाँ, ब्रह्म में तो किसी प्रकार संशय नहीं है कि नहीं, लेकिन ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ हो तो ब्रह्म अद्वैत कैसे होगा। अशास्त्र झूठ तो नहीं बोल सकता है, ये भी श्रद्धा है। इसको कहते हैं प्रमेय संशय, ब्रह्म अद्वैत है कि अद्वैत नहीं है, निर्विशेष है कि सब विशेष है। इसलिए बार 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 मनन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, बार 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 मनन करोगे तो प्रमेय संशय हो जाएगा, इस संशय की निवृत्ति हो जाएगी। किसकी निवृत्ति, प्रमेय संशय की, ठीक है। लेकिन प्रमेय संशय की निवृत्ति अत्यंत मनन करने पर होती है, फिर भी अहम ऐसी बुद्धि होने पर शरीर भी आ जाता है, क्या जाता है, शरीर। शास्त्र से आपको निश्चय हो गया सारा जगत मिथ्या है, ये भी निश्चय हो गया, समझ में कि नहीं। तो प्रमेय में संसार न रहने पर भी शरीर में आत्मबुद्धि हो जाती है, ये अंतिम घाटी है, पूर्व संस्कार कर्ण, अनादिकाल से शरीर में आम बुद्धि करते हुए और शरीर के धर्म को अपना धर्म मानते हुए वो संस्कार बैठा है, क्या बैठा है, संस्कार। हाँ, कोई बच्चे को बोलता है कि तुम तुम्हारा जो है जन्म हुआ, नहीं बोलेगा तो नहीं मालूम है उनको, वो भी जानता है कि मेरा जन्म हुआ है, शरीर के धर्म को अपना धर्म मानता है कि नहीं मानता है, सच में। हाँ, ये तुम्हारे पिता है, ये है, ये तो बोलना पड़ता है, लेकिन तुम्हारा जन्म हुआ है वो बोलने की जरूरत नहीं हो, वो बिना बोले वो जानता है कि मेरा जन्म हुआ है। तो शरीर के जन्म को मेरा जन्म मानता है, तो कहाँ से आया, पूर्व संस्कार से, शरीर में आम बुद्धि और शरीर के धर्म को अपना धर्म मानना, यह भ्रम अध्यास, ये पूर्व अध्यास पूर्व संस्कार से होता है, पूर्व पूर्व संस्कार से उत्तर उत्तर अध्यास, और फिर अध्यास से फिर आगे संस्कार होता है, बीजांकुर, क्या बोलते हैं इसको, बीजांकुर, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, ये चलता रहता है, समझ में है कि नहीं। इसलिए जो है शरीर में आम बुद्धि मम बुद्धि जल्दी जाती नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए बार 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 बार, समझ में ना। पहले आया ताभ्याम निर्विचिकित्स्यते चेतसा स्थापितस्य यत् एकतानत्वम् एतद्धि निधिध्यासनमुच्यते, समझ में ना। विचार जब करोगे
जैसे बाह्य संसार भी मिथ्या है, दृश्य है, इसी प्रकार जो अंतर्मुखी होकर जो विचार करोगे तो शरीर भी दृश्य है, मन भी दृश्य है, विचार करने पर ही मालूम पड़ता है, शब्द से नहीं होता है, केवल सुनाने मात्र से नहीं होता है। अंतर्मुखी होकर के जब विचार करोगे तब जाकर के शरीर आदि में मिथ्यात्व बुद्धि होती है, शब्द से नहीं होती है, विचार से होती है। हाँ, इसलिए विवेक चूड़ामणि में यही कहा भगवान ने, शब्द का विचार से नहीं होता है, वेदांतार्थ विचारणा। क्या कहा? वेदांत का विचार नहीं कहा उसने, शब्द का विचार नहीं कर रहा है। शब्द का विचार करो दूसरों को समझा दोगे, हाँ स्वामी जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, उससे क्या होगा, आपको कितना बोध हुआ है, सच में ना। शब्द का विचार नहीं, वेदांतार्थ विचार, हम कहने से शरीर आदि से विलक्षण जो साक्षी है उसी को मैं के रूप से समझना चाहिए, ऐसे में ये अंतर्मुखी होने पर विचार करने से होता है, बस समझ में। जैसे बार बार जब आप करोगे थोड़ा सा जो है वृत्ति होगी, कैसे समझा, साक्षी को मैं के रूप से समझो, थोड़ा सा उसको भी धीरे 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 बढ़ाओ, देखो अब करेंगे नहीं तो होगा कहाँ से। आप जानते हो कि गुड़ मधुर होता है, माँ ने बोल दिया सब बोल दिया, बच्चा जानता है कि माँ बोल दिया कि गुड़ मधुर होता है, लेकिन बच्चा जब तक नहीं खाएगा तब तक उसको क्या नहीं। हाँ, इस वक्त शास्त्र बोल दिया, गुरु बोल दिया कि तुम तो साक्षी हो, लेकिन बोध कहाँ हुआ है। हाँ, विचार करेगा तब ना बोध होगा भी, समझ में आया बात। हाँ, इसलिए बार बार जब निध्यासन करोगे तो थोड़ी सी जो है ब्रह्माकार वृत्ति होती है, साक्षी में रहने का भाव थोड़ा थोड़ा होता है, फिर उसको धीरे 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 बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो फिर आपको निश्चय हो जाएगा। जैसे अविद्या अवस्था में शरीर में आत्मबुद्धि हो रही है, कोई भी संशय नहीं, अविद्या अवस्था में हो रही कि नहीं, मैं मनुष्य हूँ, मैं कर्ता हूँ भोक्ता हूँ, संशय है अविद्या अवस्था में, नहीं है ना। इस पर उल्टा होना चाहिए कि शरीर आदि का धर्म ये मेरा धर्म नहीं है, मैं तो इसका साक्षी हूँ, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कह दिया अयम, कैसे समझे, अविद्या अवस्था में जैसे शरीर में आम बुद्धि हो रही है, कोई संशय नहीं है, इसी प्रकार से यहाँ पर विद्या अवस्था में ऐसा होना चाहिए शरीर आदि से मैं विलक्षण हो, इसके साथ मेरा संबंध कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के अज्ञान की निवृत्ति होती है। इसी बात को दिखलाने के लिए सूत ने क्या बोला, अयम अयम कह दिया है, समझ में। ये बात यहाँ पर 21 नंबर से पहले हुआ, पकड़ में आया, आगे देखो है। और अयम पद का जो प्रयोग किया गया श्रुति में, इस प्रयोग का और एक अभिप्राय है, और एक अभिप्राय, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 21 नंबर में कहा, टीका में, अयमिति पद प्रयोगस्य अभिप्रायांतरम संकते। अयम पद का जो प्रयोग किया गया, एक तो अभिप्राय हो गया, क्या अभिप्राय हो गया, उसका ज्ञान संशय विपर्य रहित ज्ञान होना चाहिए, ना कोई संशय है ना कोई विपर्य है, मैं तो शरीर आदि का साक्षी हूँ, मैं तो असंग हूँ कुटस्थ हूँ, ना कोई संशय हो ना कोई विपर्य भान हो, विपरीत ज्ञान हो, आगे समझ में। इसलिए अयम शब्द का प्रयोग कहा गया। दूसरा एक अभिप्राय बताते हैं, किस शब्द का, अयम शब्द का जो प्रयोग किया गया किस मंत्र में, बृहदारण्यक मंत्र में, आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः, वो अयम शब्द का प्रयोग, ठीक है। पहले शंका करते हैं फिर उसका फिर उत्तर दे करके वो पुष्ट करेंगे, शंका करने से समाधान फिर किया जाएगा, इससे क्या होता है, जो प्रतिपाद्य है सिद्धांत है आचार्य की, जो कहने की जो है अभिष्ट अर्थ है, इसको कहते हैं तात्पर्य, वक्तुर इच्छा तात्पर्यम, श्रुति का जो तात्पर्य है वो स्पष्ट होता है, ठीक है। चलो 21 नंबर में, अयमित्या परोक्षत्व,
मुच्यते चेत् तदुच्यताम्। स्वयं प्रकाश चैतन्या मपरोक्षं सदायतः। देखो कह नारायण, आयामिति अपरोक्षत्वम उच्यते चेत, यहाँ तक हो गई शंका। देखो नारायण, अयम बोलते हैं ना, अयम अयम मतलब यह, अयम मतलब जो घट सामने है। हाँ, ये घट देखो सामने बोलते ना हिंदी में, ये घट एकदम सामने है, मतलब क्या हुआ, घट अपरोक्ष है। क्या है? अपरोक्ष है। हाँ, जो दृश्य है ना, हाँ, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से भासता हो उसको क्या बोलते हो? अपरोक्ष कहते हो। और आत्मा के लिए भी क्या कह दिया? अयम बोल दिया, अयम अस्मिति पुरुष कह दिया कि नहीं कह दिया? हाँ, तो क्या हुआ फिर पूर्व पक्षी का अभिप्राय? वो भी दृश्य हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए? इस अभिप्राय से बोलता है घट के लिए, जैसे अयम अयम घट सामना यदि हो तो क्या कहते हैं घट को? अयम घट बोलते हो। किस घट? तो घट कहीं दूर में हो तो वह घट, और सामना यदि हो तो अयम घट बोलते हो। इस बार आत्मा के लिए भी क्या कह दिया? अयम। तो कहना चाहता है ये भी दृश्य हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? दृश्य हो जाना चाहिए। ये बस ये शंका का अभिप्राय है। शंका क्यों करता है? शंका करने का अभिप्राय क्या है ये समझना पड़ता है ना। चलो, अयमिति अपरोक्षम उच्यते चेत, ऐसा यदि कहा जाए तो कहने दो, क्या आपत्ति है? तद उच्यताम, तद मतलब क्या? अपरोक्षतम। हाँ, मतलब अयम शब्द के द्वारा, अयम शब्द के द्वारा अपरोक्षत्व को कहा जाता है। उच्चतम मतलब कहा जाए, लिंग लकार उच्चतम, उच्चतम लिंग लकार कहा जाए, कहने दो तात्पर्य है। ठीक है, मतलब अयम शब्द के द्वारा अपरोक्ष को कहा गया, ये तात्पर्य है। फिर भी कोई दोष नहीं है, फिर भी कोई दोष नहीं है। मतलब तुम जो कहते हो ना दृश्य हो जाएगा, अरे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। दृश्य होने से ही अयम शब्द का प्रयोग होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। सच में ना, ये बोलते हैं जहाँ पर कोई व्यवधान ना हो। क्या समय है? जहाँ पर कोई व्यवधान ना हो उसी वस्तु के लिए अयम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे घट सामने है, देखो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से देख रहे हो, कोई व्यवधान है नहीं है, लेकिन वो प्रमाण से भास रहा है। कैसे? लेकिन आत्मा प्रमाण से नहीं, आत्मा अपना स्वरूप है, तो स्वरूप में कोई व्यवधान नहीं है, अपने स्वरूप में कोई व्यवधान नहीं है, तो अव्यवधान है। कहीं नहीं, वो प्रकाशमान है ना, इसलिए वो प्रकाशमान हो गया। फिर आत्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण इसलिए जो है उसको अयम कह दिया। यह साक्षात अपरोक्षम ब्रह्म, अपरोक्ष कहते हैं ना, अयम शब्द के द्वारा अपरोक्ष कहा गया कि नहीं? अयम शब्द के द्वारा अपरोक्ष, आत्मा क्या है? अपरोक्ष है। हाँ, लेकिन साक्षात अपरोक्ष है, प्रमाण के बिना, घट प्रमाण से हो रहा है और आत्मा बिना प्रमाण से हो रहा है। जिसमें कोई मन नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, तो आत्मा का भान होता है कि नहीं होता है? सूर्य का प्रकाश नहीं है, कुछ भी नहीं है, अत्रायाम पुरुष स्वयं ज्योति है, ये कह रहे हैं। ठीक है, ये श्लोक में देखो, स्वयं प्रकाश चैतन्यम अपरोक्षम सदा यत, यत मतलब क्योंकि, यत मतलब क्योंकि, क्योंकि सदा मतलब निरंतर, निरंतर ये जो आत्मा है अपरोक्षम, आत्मा अपरोक्ष है। आत्मा क्यों अपरोक्ष हो गया सदा? बोलते हैं स्वयं प्रकाश चैतन्यम, अरे भाई ये आत्मा का स्वरूप चैतन्य है। आत्मा चैतन्य है कि आत्मा का चैतन्य है? क्या कहते हो? आत्मा चैतन्य, आत्मा का स्वरूप है वो।
ऐसा नहीं कि आत्मा अलग हो और आत्मा का चैतन्य अलग हो, ऐसा नहीं है। चैतन्य यदि आत्मा में उत्पन्न होता, क्या समझिए, तो आत्मा का चैतन्य होता है, क्या समझिए, हाँ। और आत्मा का यदि चैतन्य हो जाएगा तब तो चैतन्य धर्म हो जाएगा, आत्मा जो धर्मी हो जाएगा तो क्या होएगा, धर्मा धर्मी भाव हो जाएगा, वहाँ पर फिर द्वैत होगा। बस में हाँ ऐसा होता है, इसलिए आत्मा का जो भान होता है, ऐसा नहीं कि चैतन्य अलग है आत्मा अलग है, ऐसा भान नहीं होता है। चलो, इसलिए सम प्रकाश बोल दिया, किसी से प्रकाशित न होकर के जो भास रहा है, ठीक है ना रहा है। टीका देख लो, यथा अयम घटः इत्यादि प्रयोगेषु इदमा निर्दिष्टस्य वस्तुना आपरोक्षम दृष्टम तथा अयम अस्मि इत्यत्रापि इति भाव। ये पूर्व पक्षी कहना है, पूर्व पक्ष कितना है श्लोक में, चेतक अयम इति अपरोक्षतम उच्यते चेत का था यदि, उसका अभिप्राय टीका करने कह दिया। जैसे दृष्टांत देखो नारायण, अयम घट, घट के लिए क्या बोलते हैं, अयम मतलब घट, यह घड़, यह घड़ा, यह को बोलेंगे संस्कृत में क्या, अयम, इदम शब्द का प्रथमा एक वचन अयम, इत्यादि प्रयोग आदि सब ले लो, अयम पट ये सब ले लो। इस प्रयोगों में, शब्द प्रयोग में इदमा निर्दिष्टस्य, देखो इदम शब्द के द्वारा, यहाँ पर इदमा कहाँ की विभक्ति है, इदम शब्द का तृतीय एक वचन इदमा, यहाँ पर शब्द को लिया, क्या समझ, हाँ स्वाम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा, ये सिद्धांत कुमुदी में सूत्र आता है, यहाँ पर इदम शब्दों को लेना है। इदम जो सुन रहे हो ना, इदम जो सुन रहे हो इसको प्रातिपदिक करके तृतीय एक वचन क्या बना, इदमा, मतलब इदम शब्द के द्वारा, इदमा का अर्थ क्या होगा, इदम शब्द के द्वारा, क्योंकि अयम ना, क्या कहा, अयम अस्मि, अयम में प्रातिपदिक क्या है, इदम, उस इदम शब्द के द्वारा ये बोलते हैं, ऐसा समझ में, इदमा का अर्थ निकलेगा इदम शब्द के द्वारा, इदम शब्देना, इदम शब्देना, ठीक है, हाँ निर्दिष्टस्य, इदम शब्द का उच्चारण करके जो निर्देश किया गया, मतलब कहा गया, निर्दिष्ट का अर्थ उच्चरित, निर्दिष्टस्य उच्चरितस्य वस्तुनः, मतलब इदम शब्द के द्वारा निर्दिष्ट मतलब क्या, बोधित ले लो, उच्चरित नहीं बोधित ले लो, लक्षितस्य, इदम शब्द के द्वारा किस अर्थ को लक्षित किया जा रहा है, ये निर्दिष्ट का अर्थ निकलेगा क्या, लक्षित, इदम शब्द के द्वारा जो अर्थ लक्षित है, मतलब जिसको हम कहना चाहते हैं, ये वह निर्दिष्ट होगा। कौन निर्दिष्ट वस्तु, आत्मा है, कौन है, आत्मा है कि नहीं, कौन आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा, चिदाभास नहीं, साक्षी रूप, अपरोक्षम दृष्टम, वो भी अपरोक्ष है, कौन आत्मा, अपरोक्ष है। यदि ऐसा हो गया तथा अयम अस्मि इत्यत्र अपि निर्दिष्टस्य, ये देखो जैसे घट होता है ना, घट, घट क्या हो गया, अपरोक्ष, इसलिए उसमें इदम शब्द का प्रयोग किया। इसमें तथा कहने से आत्मा में भी, पूर्व पक्षी ना है ये, तथा अयम अस्मि, तो आत्मा भी क्या होगा, अपरोक्ष हो गया, तो अपरोक्ष होने से क्या हुआ फिर, दोनों दृश्य, ये पूर्व पक्षी का प्राय, घट जैसे दृश्य होने से अयम शब्द का प्रयोग किया गया, आत्मा भी दृश्य होने से क्या, अयम शब्द का हो गया, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय लग गया। कहते कि ऐसा नहीं है, अपरोक्ष है इसलिए अयम शब्द का प्रयोग किया, ये बात तो ठीक है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं, लेकिन घट जैसे दृश्य हो गया आत्मा भी दृश्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो तदपि अस्माकम इष्टम, तदपि कहने से क्या हुआ, अयम शब्द के द्वारा अपरोक्ष को कहा गया, किसको कहा गया, ऐसा कहोगे तब भी इष्ट है हमारे लिए, कोई विरोध नहीं है। उत्तर में
श्लोक में क्या दिया, तद उच्चताम, तत् का अर्थ, तत् का अर्थ अपरोक्षत्व, अयम शब्द के द्वारा अपरोक्षत्व को कहा जाए तो कहने दो। कुत, हाँ कुत मतलब क्यों, मतलब आत्मा अपरोक्ष है ऐसा क्यों, उत्तर क्या दिया है, स्वयं प्रकाश चैतन्यम अपरोक्षम, आत्मा अपरोक्ष इसीलिए है, तो हेतु दिया गया स्वयं प्रकाश चैतन्य, समझ में कि नहीं क्या है, हाँ आत्मा ही स्वयं प्रकाश चेतन नहीं होगा मतलब क्या होगा, दूसरे से प्रकाशित होगा कि नहीं, वो फिर किससे प्रकाशित होगा, तो अनवस्था दोस्तों, इसलिए किसी ना किसी को तो स्वयं प्रकाश तो मानना ही पड़ेगा, बराबर ना। अच्छा टीका थोड़ी ले लो, एक पंक्ति है, साधनांतर निरपेक्षतया अभासमानम चैतन्यम, ये किसका अर्थ हो गया, स्वयं प्रकाश चैतन्य, समझ में है ना, स्वयं प्रकाश चैतन्य का अर्थ करते हैं टीकाकार, साधनांतर निरपेक्षतया, कोई भी साधन चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चक्षु हो, मन हो, कोई भी साधनांतर की अपेक्षा नहीं होती आत्मा का भान के लिए, होती है क्या, नहीं होती है, इसलिए किसी साधन की अपेक्षा किए बिना जो भासता हो, जिसका भान होता हो, जिसका भान होता हो, अभासमानम ऐसा चैतन्य को बोलते हैं स्वयं प्रकाश चैतन्य, समझ में ना, उसका तादात्म्य जिधर हो जाएगा जिसके साथ, वो भी प्रकाशित हो जाता है, हाँ इसका त्वय भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, इले लिखते हैं आगे देखो, व्यवधायक अभाव, क्योंकि कोई व्यवधान नहीं ना है, आप और आपके स्वरूप में कोई व्यवधान नहीं है कोई व्यवधान नहीं है, इसलिए जहाँ पर कोई व्यवधान नहीं है वो अपरोक्ष होता है, नित्यम अपरोक्षम, इसलिए आत्मा अपरोक्ष है लेकिन नित्य अपरोक्ष है, घट अपरोक्ष नित्य है नहीं, चक्षु का संबंध हो तो घट अपरोक्ष है, और चक्षु का संबंध नहीं हुआ तो घट अपरोक्ष नहीं है, आत्मा ऐसा है क्या, क्या रहने पर आत्मा का भान होगा और क्या न रहने पर आत्मा का भान नहीं होगा बोलो घट में तो ऐसा नहीं है, घट में तो चक्षु हो तो घट भासता है, चक्षु न हो तो घट नहीं भासता है, लेकिन आत्मा का भान ऐसा है कहीं, क्या होने पर आत्मा भासेगा और क्या न होने पर आत्मा नहीं भासेगा, ऐसा नहीं है, प्रमाण होने पर आत्मा भासेगा, प्रमाण न होने पर आत्मा नहीं भासेगा, ऐसा नहीं है, समझे ना, ऐसा होता है, चलो इसलिए कहा नित्यम अपरोक्षम इति अस्माभिः अभ्युपेतत्वात्, अस्मा मतलब वेदांती भी, हम वेदांती के द्वारा ये स्वीकार किया गया, हो गया ना, इसलिए अयम शब्द के द्वारा क्या कहा गया, अपरोक्ष को, आत्मा स्वयं प्रकाश चेतन होने से अपरोक्ष है, इस बात को बताने के लिए अयम इस कहा गया, ये जो स्वरूप आत्मा है ये अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष है, ठीक है। अच्छा 22 नंबर में महाराज जी, तो ये महावाक्य जो अयम आत्मा ब्रह्म, तो वहां हमको अयम में अपरोक्ष ही ब्रह्म लेना है, हाँ हाँ साक्षात अपरोक्ष साक्षात, हाँ अच्छा 22 नंबर पे देखो, 22 नंबर श्लोक, ननो आत्मनः, आगे श्लोक में 22 में, ननु आत्मनः स्वयं प्रकाश चित रूपत्वेन, अभी जो प्रसंग आ रहा है ना इसको चित्त को एकाग्र करके सुनना चाहिए, हाँ लेकिन लोगों में क्या हो जाता है ना, भ्रांति हो जाती है, अरे हम सबको सब हमको सब समझ में आ गया है, इसलिए क्या इसमें एकाग्र करना है, ऐसे नहीं, जितने बार सुनते रहो फिर भी हैं विचार तो चित्त को एकाग्र करके ही विचार करना चाहिए, सुनना चाहिए, नहीं तो प्रमाद होता है, क्या होता है, प्रमाद भी होता है अभिमान भी होता है, अभिमान कैसे होता है,
अरे जो आप बोल रहे हो तो हम पहले सुने हैं। क्या है आप जो बोल रहे हैं ना, सुना रहे हैं ना स्वामी जी, हम तो पहले सुने हैं। ये कभी कभी क्या हो जाता है, प्रमाद हो जाता है और अभिमान भी होता है। इसलिए अभिमान वगैरह नहीं करना चाहिए। चलो, ननु आत्मना है संप्रकाश चित रूपत्वेन। आत्मा क्या है? संप्रकाश चित स्वरूप है वो, समझ में ना। इसलिए क्या हुआ, संप्रकाश चित स्वरूप होने से नित्य अपरोक्षत्व अभिगमे। नित्य अपरोक्ष आत्मा है। क्यों आत्मा नित्य अपरोक्ष है? इसलिए हेतु दे दिया संप्रकाश चित रूपत्व। समझ में आ रहा है? आत्मा संप्रकाश चित्रूप होने से नित्य अपरोक्ष है। लग गया? ऐसा स्वीकार करने पर अभिभगमे, ठीक है, अयमिति पद प्रयोगस्य। लेकिन अयम शब्द का प्रयोग किया गया आत्मा के लिए कि नहीं? अभिप्राय वर्णना अंगीकार व्यार है ना। लेकिन अब एक विचार आ रहा है, देखो पहले भावार्थ सुन लो तब पकड़ में आएगा। आत्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? अयम, अयम आत्मा, अयम आत्मा पुरुष का, ठीक है। अयम क्या होगा? विशेषण। अयम क्या हो गया? विशेषण। सुन में आया? और अयम शब्द से किसको लिया? अपरोक्ष को, आत्मा अपरोक्ष कि नहीं। तो आत्मा का विशेषण क्या दिया गया? अयम, अयम को अपरोक्ष को, अयम शब्द से अपरोक्ष हुआ। हाँ, अयम का अर्थ क्या हुआ? अपरोक्ष, आत्मा अपरोक्ष है। तो आत्मा का विशेषण क्या हुआ? अपरोक्ष हुआ। अरे भाई, विशेषण वहाँ पर होता है, हाँ? कहाँ पर होता है? जहाँ पर कोई संभव हो अथवा जहाँ पर कोई व्यभिचार हो। सुनते हो? हाँ, जैसे देखो, वस्त्र लाओ, हमने क्या कहा? वस्त्र लाओ। आप नहीं पूछेंगे कौन सा वस्त्र लाना है, लाल वस्त्र लाना है कि सफ़ेद वस्त्र लाना है, क्या लाना है, पूछेंगे ना। तो फिर विशेषण देना पड़ेगा, रक्तम वस्त्रम। तो रक्त क्या हो गया? लाल, हाँ, रक्त हो गया विशेषण है कि नहीं? हाँ, क्योंकि वस्त्र सफ़ेद भी होता है, काला भी होता है, नीला भी होता है कि नहीं। इसलिए दूसरा कोई ना समझे इसलिए वस्त्र का विशेषण क्या हुआ? रक्त। आए समझ में? जैसे कहते अग्नि उष्ण है, क्या विशेषण बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनता है। अग्नि उष्ण है, बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? अरे कभी कभी ठंडा होता होगा तब तो उष्ण कहोगे उसको। कभी ठंडा होता है क्या अग्नि? हो तो उसका स्वरूप ही उष्ण। इसलिए उष्ण विशेषण नहीं होता है किसका? हाँ, आ गया। हाँ, क्योंकि उष्ण कहीं छोड़कर कहीं रहता नहीं है, और अग्नि में और दूसरा कुछ रहता भी नहीं है। उष्ण केवल अग्नि का ही धर्म है, दूसरे में कहीं है ही नहीं। और अग्नि में दूसरा कोई धर्म होता नहीं, अग्नि ये उष्ण ही रहता है। इसलिए अग्नि का विशेषण क्या नहीं होता है? उष्ण नहीं होता। लेकिन वस्त्र का रक्त विशेषण बनेगा? बनेगा, क्योंकि वस्त्र में अन्य कोई धर्म भी होता है। इसलिए दूसरा कोई वस्त्र न लाओ, इसलिए क्या बोल दिया? रक्तम। आए समझ में? तो वस्त्र में रक्त विशेषण देने से क्या सिद्ध हुआ? कि वस्त्र में और कोई भी धर्म होता होगा। आया कि नहीं आया? है ठीक। इसी प्रकार से आत्मा का विशेषण क्या दिया? अयम। अयम, अगर अयम शब्द का अर्थ क्या हुआ? अपरोक्ष। इसका मतलब आत्मा, हाँ, मैं दूसरा कोई धर्म भी होता होगा, इसका मतलब परोक्ष भी होता होगा। इसलिए क्या कहा? अयम कह दिया। इस अभिप्राय से बोला जा रहा है, अभी समझ में आया? हाँ, ठीक है। इसलिए बोलते हैं, देख लो, है ना, अयमिति पद प्रयोगस्य अभिप्राय वर्णन अंगीकार व्या। अभिप्राय वर्णन के स्वीकार के बल से, मतलब विशेषण दिया ना, आत्मा का विशेषण हो गया अयम, इसके बल से क्या सिद्ध हुआ? आगतम, मतलब प्राप्तम, आत्मना परोक्ष विषयत्म अपरोक्ष विषयत्म पूर्वोक्तम। इसलिए पहले भी बात आई, इसलिए आत्मा में परोक्ष विषयत्व, आत्मा परोक्ष भी है
और आत्मा अपरोष भी, ये मानना चाहिए, मानना पड़ेगा ना कि नहीं। और ज्ञान अज्ञान आश्रय विषयत्वम वा, समझ में ना। हाँ, इसलिए ज्ञान आश्रय और क्या है अज्ञान आश्रय, ये भी मानना पड़ेगा, समझ में कि नहीं। हाँ है ना, इसलिए क्या दो धर्म कैसे होगा अभी, ये विरुद्ध धर्म हो गया ना, क्या विरुद्ध धर्म हो गया कि नहीं। हाँ, परोक्ष विषयत्व भी हो मतलब, हाँ, और अपरोक्ष विषयत्व भी हो, ये कैसे होगा। अरे परोक्ष हो तो अपरोक्ष नहीं, और अपरोक्ष हो तो परोक्ष नहीं, आ गया कि नहीं, ऐसा बोलते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान आश्रय विषयत्व अज्ञान आश्रय विषयत्व, ये कैसे होगा। ज्ञान हो तो अज्ञान नहीं, अज्ञान हो तो ज्ञान नहीं, ये होना चाहिए। विरुद्ध धर्म हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, अनुपन्नम स्याद इति आशंक्य, ऐसी आशंका समझ में आ गई। इसका उत्तर दे रहे हैं, सुनो हम बताते हैं। सब घट जाएगा, हाँ, कोई भी असंभव नहीं, सब घट जाता है। चित्त को एकाग्र कर सुनोगे तब समझ में आएगा। कैसे, दशम इव सर्वम उपत्स्यते उपपत्स्यते, हैं। अरे दशम, दशम मतलब दसवां व्यक्ति, दृष्टांत जानते हो ना, अब दृष्टांत आएगा देखो। अरे दस व्यक्ति जा रहे हैं गंगा जी के उस पार जा रहे हैं, और नाव वगैरह कुछ है ही नहीं, तैर करके जा रहे हैं, है कि नहीं। अब उस पार जब गए तो ये जो है वो किसी को भ्रांति हो गई, अरे कोई बह तो नहीं गया, दृष्टांत तो है सरल, हाँ, लोग बोलेंगे अरे ये तो कई बार सुने, लेकिन क्यों दृष्टांत दिया गया, अभिप्राय क्या है, उसको सब समझना पड़ता है, तब तो आपको ये वेदांत समझ में आएगा, है कि नहीं। ये जो असंभव कहा ना भाई, परोक्ष विषयत्व भी हो आत्मा में, अपरोक्ष विषयत्व भी हो, ज्ञान भी हो अज्ञान भी हो, ये कैसे होगा, नहीं होना चाहिए ना, लेकिन हो जाता है, दसवां व्यक्ति दृष्टांत में हो जाता है, ठीक है। ये कह रहे दसवें इव, जैसे दसवां व्यक्ति दृष्टांत में सब हो जाता है, इसी बगैर आत्मा के लिए भी सब हो जाएगा, ये कहने जा रहा है। तो कैसे हो जाता है सुनना पड़ेगा ना, तब तो होगा। 22 नंबर में परोक्षम अपरोक्षम च, ज्ञानम अज्ञानमित्यदः, नित्यापरोक्षरूपेपि द्वयं स्याद् दशमे यथा, देखो जैसे यथा दशम है, दशम मतलब व्यक्ति, दशम किसका नाम है, दस को दशम नहीं बोलते हैं, दशम व्यक्ति को बोलते हैं, दशम दशमा व्यक्ति, हाँ, दस संख्या नहीं बोल रहे, जो दशमा मतलब दस नंबर, दस नंबर जो व्यक्ति को है उसको कहते हैं दशमा। दशमा व्यक्ति में जैसे सब हो जाता है परोक्ष, यथा दशमे क्या है, यथा दशमे क्या है, दशमे द्वयम स्यात् द्वगल जुगल, परस्पर विरुद्ध धर्मों का संबंध हो जाता है, वो परोक्ष भी है अपरोक्ष भी है, अभी बताएंगे, हैं। और ज्ञान का आश्रय भी है और अज्ञान का आश्रय भी है, ज्ञान भी है और अज्ञान भी, कैसे समझेंगे, कैसे है, धैर्य रखना पड़ेगा ना, ठीक। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो है नित्य अपरोक्ष रूपे अपी, क्या कह रहे हैं, नित्य आत्मा नित्य अपरोक्ष है, क्या समय है, हाँ, नित्य अपरोक्ष होने पर भी कभी परोक्ष लगता है तो कभी अपरोक्ष लगता है, कभी ज्ञान है तो कभी अज्ञान भी है, तो सब हो जाएगा, ठीक है ना, कैसे समझेंगे, ठीक है, देख लो। परोक्षम अपरोक्षम च इति एकम जुगलम, ठीक है ना, हाँ, बोलते हैं एक जुगल, जुगल मतलब क्या, जोड़ी, परोक्ष भी है और अपरोक्ष भी, एक हो गया है ना। दूसरा क्या है, ज्ञानम अज्ञानम इति अपरम, इति द्वयम,
अपर मतलब क्या है, दूसरा, अपर क्या, दूसरा, दूसरा जुगल जी। क्या दूसरा जुगल हुआ है, ज्ञान भी है और अज्ञान भी, दोनों। कहाँ पर घटेगा, जैसे दसम ही बस याद, दसवां व्यक्ति में जैसे होता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा। नित्य अपरोक्षोपि आत्मनि, आत्मा नित्य अपरोक्ष है, स्वरूप से आत्मा नित्य अपरोक्ष है, साक्षी ना है, फिर भी जो है कई परोक्ष लगता है तो कई अपरोक्ष लगता है, परोक्ष भी संभव है अपरोक्ष भी संभव है, ज्ञान भी संभव है अज्ञान भी समझे में, दृष्टांत समझना पड़ेगा ना, ऐसा होता है। अभी आगे घटाएंगे ना कैसे आगे घटाएंगे। अरे भाई जैसे नौ व्यक्ति तो गिन रहा है ना, क्या नौ व्यक्ति को गिन रहा है, गिन लिया ना, भ्रांति होगी तो गिन रहा है लेकिन अपने को छोड़ रहा है, तो स्वयं का भान है कि नहीं है। क्या अपने को छोड़ रहा तो भान नहीं है, क्या कह रहे है, नहीं नहीं, नहीं भान तो है लेकिन मैं ही दशमा हूँ ये भान नहीं है। अच्छा, मैं ही दशमा हूँ, ये कहाँ पर कह रहे, कैसे मैं ही दशमा हूँ ये भान नहीं, हाँ लेकिन अपने को भान कर। हाँ, और एक महापुरुष आ गया मान लो, क्या महापुरुष आ गया, तो महापुरुष आ गया तो बोल दिया उनको, क्या बोल दिया, अरे तुम दसवां व्यक्ति है, क्या समझ, दसवां व्यक्ति है, ये कौन सा ज्ञान हुआ, परोक्ष ज्ञान, समझ में कि नहीं, अपने को कौन सा ज्ञान हुआ, पहले परोक्ष हुआ कि दसवां व्यक्ति है, ये कौन सा ज्ञान हुआ, परोक्ष ज्ञान है, समझ में आया, लेकिन जब गिन लिया एक दो कर कर इधर भी हाथ लगा दिया, नहीं तो कोई विनोद में बोला, कोई आकर एक थप्पड़ लगा दिया, क्या हाँ, और कोई बुझे है आंकड़े का महात्मा आ गया है कि नहीं, और गिना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और एक थप्पड़ लगा दिया दसवा, हाँ थप्पड़ से उनको ज्ञान हो गया, अरे कौन सा ज्ञान हो गया, ये कौन सा हुआ, मैं ही दसवा पुरुष हूँ, कौन सा ज्ञान हुआ, हाँ तो दोनों में एक है कि नहीं, नहीं नहीं एक व्यक्ति में दो दो ज्ञान है कि नहीं, कौन सा ज्ञान, हाँ अब ये कह रहे हैं आप, ठीक है ये सब दृष्टांत आएगा अभी देखो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमा पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।